हाउ टू राइट अ सेल्स लेटर। किसी भी कॉपी राइटर के लिए सेल्स लेटर या सेल्स पेजेस लिखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि हम ये पहले बिफोर वी डाइव डीपर इनटू द फैक्ट कि लिखना किस तरह से एक सेल्स लेटर, हम ये चीज यहाँ पे जरूरी है हमारे लिए जानना कि सेल्स लेटर में और सेल्स पेज में फर्क क्या होता है। तो मैं आपको 5 डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि इन दोनों में होते हैं, और उसके बाद आई विल शेयर हाउ द सेल्स लेटर इज एक्चुअली रिटन। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शहजाद खान, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। अभी हम लोगों ने आज बात करनी है ये सेल्स लेटर किस तरह से लिखा जाता है, और उससे पहले सेल्स लेटर में और सेल्स पेज में फर्क क्या होता है। तो पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर विल डाइव इनटू द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग ऑफ द सेल्स लेटर। अब 5 डिफरेंसेस हैं जी, इनमें की डिफरेंसेस, और मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो के भाई सीन क्या। अब पहला जो सेल्स पेज और सेल्स लेटर का डिफरेंस है, सेल्स लेटर जो है वो अमूमन कोल्ड ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, जहाँ जो लोग जानते नहीं है उस प्रोडक्ट को, और जो सेल्स पेज है वो वार्म ऑडियंस के लिए लिखा जाता है या ऐसी ऑडियंस के लिए लिखा जाता है जो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट टाइप को या उस ऑफर टाइप को समझती हो, वो ऑडियंस जेडेड हो थोड़ी सी। मिसाल के तौर पे अब फॉर इंस्टेंस इफ समवन इज सेलिंग अ प्रोग्राम ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग पे वो अगर तो वो अपने एग्जिस्टिंग फेयर में मार्केटिंग किस फेयर में डिजिटल ऑडियंस किस फेयर में वो चीज बेच रहा है, तो उसका जो पेज होगा वो सेल्स पेज वो लिखेगा। लेकिन अगर वो ब्लू ओशन में जा रहा है, ऐसे लोगों पर जा रहा है जिन्होंने कभी डिजिटल मार्केटिंग का जिंदगी में नाम ही नहीं सुना, तो उनको वो जो बेचेगा अगर वो कोर्स, तो वो सेल्स लेटर के थ्रू बेचा जाता है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस है इनकी लेंथ का। सेल्स पेज जो है वो शॉर्ट होते हैं, तकरीबन 5000 लफ्जों तक का एक सेल्स पेज होता है, जबकि सेल्स लेटर जो है वो 8000 से लेके 12000 लफ्जों के दरमियान में होता है, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं 12000 से, लेकिन यूजुअली ये है। क्यों इनकी लेंथ में फर्क क्यों होता है? क्योंकि सेल्स लेटर में तमहीद ज्यादा बांधी जाती है, कन्विंस ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, इस वजह से वो एक्सटेंसिव होता है, जबकि सेल्स पेज जो है वो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता। ठीक है, तीसरे डिफरेंस पे चलते हैं कि इन दोनों में डायरेक्ट रिस्पांस का भी फर्क होता है। डायरेक्ट रिस्पांस का मतलब है कि एलिसिटिंग अ डायरेक्ट रिस्पांस फ्रॉम योर ऑडियंस, कि आप लिखो ऐसा कि आपकी जो ऑडियंस है वो फौरन एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। सेल्स पेज जो होता है उसकी में वॉल्यूम कम होता है इंटेंसिटी का, एग्रेसिवनेस का, जबकि सेल्स लेटर है वो बेइंतहा एग्रेसिव होते हैं। डायरेक्ट रिस्पांस के एलिमेंट्स, स्टोरीज अक्सर जो है वो शेडी लोग जो होते हैं वो उनको दे मेक देयर स्टोरीज अप एज वेल व्हेन इट कम्स टू सेल्स लेटर, व्हिच इज ऑब्वियसली अनएथिकल। आपको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा करना, ख्याल किया करें और क्लाइंट की जो ओरिजिनल स्टोरी है उसी को ही यूज किया करें इन व्हाइल राइटिंग द सेल्स लेटर। ठीक है, अच्छा, अब चौथा डिफरेंस ये है कि सेल्स लेटर जो है उसमें ब्रांडिंग के एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं, सेल्स पेज में ब्रांडिंग के एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें, बड़ी वायर फ्रेमिंग, बड़े डिब्बे बने होते हैं, बड़ी जी डिजाइन एलिमेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जबकि सेल्स लेटर में इतना ज्यादा नहीं, सिंपल बेसिक होता है वो बहुत ज्यादा। और पांचवा जो इसमें है वो ये है कि सेल्स पेजेस जो है वो स्टोरी ड्रिवन नहीं होते हैं, उनका जो बेसिक कोर है ना किसी भी सेल्स पेज का वो स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा हो, ठीक है, वो उसकी ऑफर के अराउंड रिवॉल्व करा हुआ या जो भी वो चीज है, जबकि सेल्स पेज में वो सब स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करा होता है कि जी एक बंदा था, एक्स वाई जी किया, ये चीज मिली, बंदा था या एक कोई भी नैरेटिव जो उसमें भी बनाया गया, तो वो उसके ऊपर बेस कर रहा होता है और उसके अराउंड उन्होंने वो पूरी ऑफर और सारी चीजें क्रिएट की होती है, जबकि सेल्स पेज में वो ऐसा नहीं होता। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, मैं आपको पहले सेल्स पेज की एग्जाम्पल दिखाऊंगा फिर सेल्स लेटर। तो अब ये अगेन एमी पोर्टरफील्ड का मेरे पास एक पेज है उसके कोर्स का, डिजिटल कोर्स अकेडमी, ठीक है, इसमें वो लोगों को सिखाती है कि कोर्स किस तरह से बनाना है और अपनी प्रेजेंस किस तरह से बनाना है। तो ये देखें जी, बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं और बड़ा जी पेन पॉइंट्स टारगेट किए हैं, लेकिन मतलब ये टारगेट किया गया कि ये किसके लिए है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं वगैरह वगैरह, और बड़ी जी ब्रांडिंग है और डिब्बे बने हुए हैं और जी अपनी उसने तस्वीरें लगाई हुई हैं, अपने बारे में बताया हुआ है, टेस्टिमोनियल्स मरी फोरलियो जैसे लोगों से ऐड किए हुए हैं, अपने स्टूडेंट से ऐड किए हुए हैं, और फिर ये बताया गया कि आपको क्या मिलेगा। जाहिर है प्रोग्राम अभी ओपन नहीं है एनरोलमेंट के लिए, इससे उसने वेट लिस्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया वरना गेट परचेज द प्रोग्राम होता, और फिर उसने बताया कि यू डिजर्व अ सीट एट द टेबल, एक फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स। अब व्हेन इट लॉन्चेस इसमें जाहिर और एलिमेंट्स भी वो ऐड करेगी, इसमें शायद एफएक्यूज ऐड करे और इसमें और भी चीजें, लेकिन ओवरऑल जस्ट यही है सेल्स पेजेस की, सेल्स पेजेस इसी तरह से ही लिखे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, अब आते हैं सेल्स लेटर की तरह। अब ये एक सेल्स लेटर है, डायबिटीज फ्रीडम एक ऑफर है उसका। अब ये देखो जी, शुरू हुई है दर्द दिल सर, प्लीज डोंट कट ऑफ हिज लेग, माय ग्रैंडसन क्राइड आउट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक, सर यू फेल इनटू अ डायबिटिक कोमा, द डॉक्टर टोल्ड मी एज आई ब्लिंक माय आईज ओपन कंफ्यूज एंड स्केयर्ड। तो वो उसने एग्जैक्ट स्टोरी से शुरू किया कि वो बिस्तर पे पड़ा, उसकी आंख खुली है ऐसे, उसने देखा कि उसका जो ग्रैंडसन है वो रो रहा है कि प्लीज मेरे दादा की टांग मत काटो, और डॉक्टर कह रहा है आप एक डायबिटिक कोमा में चले गए थे। ठीक है, तो वह स्टोरी बना दी है, अब पूरी प्रेमिस इसके अराउंड वेस्ट है, उस बंदे के अराउंड जो कि कोमा में था, कोमा में चला गया था, वो वहां से उठा, उसने देखा कि क्या कहते हैं बड़े हालात खराब हैं, इट इज टू लेट, फिर ये हॉरिफिक डिजीज थी डायबिटिक
एक्टिविटीज की. इट रॉब्ड मी ऑफ माय रिटायरमेंट. पूरी इमोशन, पूरी डेप, मतलब उनका बस चले पर रुलाया थे वो आपको बस पढ़ा के ना. ये इस तरह इतनी एग्रेसिव है और इतनी ये लॉन्ग फॉर्म भी है, वो कितना पेज जा रहा है. इसमें पूरा यूनिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, इसमें एक एक चीज उसने एक्सप्लेन किया है, स्टोरी एक्सप्लेन किया है, कहाँ से दरियाफ्त हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हें क्या मसले हैं, मुझे क्या मसले, एक एक चीज के ऊपर बात और मल्टीपल कॉल टू एक्शन भी दिए हैं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्स पिचेस एंड सेल्स लेटर्स. आज हमने सेल्स लेटर्स की बात करनी है, इस तरह के लेटर कैसे लिखे. आजकल की जो इंडस्ट्री है हमारी मॉडर्न डे, उसमें बहुत ज्यादा सेल्स लेटर यूज नहीं किए जा रहे व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांड. एक और डिफरेंस भी है कि जब पर्सनल ब्रांड होता है ना किसी का भी, मैरी फोर्लियो का पर्सनल ब्रांड, एलेक्स टोनी का मेरा, या एमी वॉटरफील्ड का, यहाँ पे सेल्स पेजेस ही यूज किए जाते हैं. ब्रांडिंग जहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे आ जाती है डीआर प्रॉपर हार्ड को, वहां पे सेल्स लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं. सेल्स लेटर अगर आपने देखने हो तो मैंने इसकी एग्जांपल और पिछले लेक्चर में भी दी हुई है. आप क्लिक बैंक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जुगाड़ लगा के वहां से भी देख सकते हैं. टीजी स्टोर 24 आई गेस नाम है, उसके ऊपर भी सेल्स लेटर पड़े हुए हैं. इस तरह से और भी कुछ वेबसाइट है जहाँ पे एफिलिएट ऑफर्स वालों के सेल्स लेटर्स पड़े होते हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं. अब सेल्स लेटर तब यूज करना होता है जब आप या तो ब्लू ओशन में जा रहे हो, या जहाँ पे कोई ऑफर आप यूनिक बेच रहे हो जो कि मार्केट में नहीं करंटली बेची जा रही, उसको अक्सर मार्केट करने के लिए भी सेल्स पेजेस या सेल्स लेटर्स और इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स लेटर लिखना किस तरह से. अब ऑब्वियसली सेल्स लेटर जो 10-12 हज़ार लफ्जों तक का होता है, मैं आपको सारा लिख के नहीं दिखा सकता, इस वीडियो का स्कोप इतना नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसको उसका पूरा प्रोसेस क्या है. तो शुरू करते हैं स्टेप वन से, विच इज नोइंग योर ऑडियंस. अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो आपने रिसर्च करनी होती है. सबसे पहले, रिसर्च के बगैर सेल्स लेटर अधूरा है, कोई भी कॉपी अधूरी है. अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है यू विल बी जजिंग योर ऑडियंस, विच इज ऑब्वियसली नॉट द राइट थिंग टू डू. आप कुछ अपने बस प्री कंसीव्ड नोशंस के ऊपर किसी को जज नहीं कर सकते कि इसको क्या मसला है, हाउ आर दे फीलिंग, अनलेस यू आर दैट मार्केट या अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट मार्केट. फॉर इंस्टेंस हेयर लॉस की बात करते हैं, आपका अगर हेयर लॉस नहीं हुआ, आप मार्केट में नहीं हो, आप उसके एक्टिवली प्रोडक्ट्स नहीं देख रहे, आप ऑब्सेस्ड नहीं हो अपने बालों को वापस लाने में, तो यू वोंट बी क्लासिफाइड एज एन आइडियल कस्टमर या एन आइडियल ऑडियंस. आइडियल ऑडियंस आपको मिलेगी रिसर्च करके फोरम्स पे, यूट्यूब एड्स में, सॉरी यूट्यूब वीडियोज में, फेसबुक ग्रुप्स में, इन जगहों पर आपको अपनी आइडियल ऑडियंस मिलती है. तो मैं आपको वो कुछ सवाल बताता हूँ जो आपने हमने आपसे पूछना और जिनकी रिसर्च करनी है. तो पहला सवाल है कि आपकी मार्केट का सोफिस्टिकेशन लेवल क्या है, आपकी मार्केट जेडेड कितनी है, इस तरह की सिमिलर ऑफर्स उसको कितनी बार की जाती हैं दिन में. ये बड़ा क्रूशल एक चीज होती है जो आपने देखनी होती है, आपकी मार्केट जेडेड कितनी है. अगर मैं दिन में 50 हज़ार देखता हूँ जो मुझे हेयर फॉल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपका भी हेयर फॉल की प्रोडक्ट है, तो फिर आपको ऑब्वियसली यू हैव टू यू नो स्टैंड अपार्ट. तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितनी ऑफर्स हैं, मार्केट की डायनामिक्स है, मार्केट में क्या हो रहा है, लोग तपे हुए हैं, लोग खुश हैं, क्या हालात है, फिर उसकी बेस पे यू स्टार्ट यू नो परफॉर्मिंग योर रिसर्च. दूसरा सवाल, आपकी जो आइडियल ऑडियंस की विक्ट्रीज और फेलियर्स क्या है. तीसरा है उनकी होप्स और ड्रीम्स क्या है, ये आप सब निकालते हो, यू फाइंड दीज आउट. ठीक है, फिर आप देखते हो कि उन वो क्या आउटकम्स ढूंढ रहे हैं जिंदगी में, उनको उनको उनका गोल क्या है, क्या मेरे बाल आ जाए मेरा ये गोल है, या उसका ये गोल है कि मैं कूल हो जाऊं. ठीक है, अब इन दोनों में सटल फर्क. अगर कोई भी आपकी ऑडियंस सरफेस लेवल होता है, फिर एक डीपर लेवल होता है. अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं सिक्स पैक्स बना लूँ, तो उसके पीछे मेरे दिल के अंदर क्या बात, सिक्स पैक्स क्यों बनाने है? सवाल ये है. वो कहेगा कि जी मैंने मेरे को कूल लगने का, कहेगा जी कूल क्यों लगने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें. हाँ, अब बात इज्जत क्यों करवाना चाहता, अब पता नहीं हम उसके डीप डाउन चाइल्डहुड ट्रॉमास में घुस गए हैं कि वो अब चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, क्योंकि हो सकता है उसके बचपन में इज्जत नहीं की गई, या उसके स्कूल में उसकी इज्जत नहीं की गई, या उसके कॉलेज में उसकी इज्जत नहीं की गई, तो वो चाहता है कि वो एक इज्जतदार बंदा बने. उसके लिए उसको लगता है कि उसका सोल्यूशन है कि मैं सिक्स पैक्स बना लूंगा तो मैं इज्जतदार बंदा बन. ठीक है, तो ये इस तरह से आप यू डाइव डीपर इन टू देयर दिमाग और देन यू फिगर आउट द एक्चुअल रीजंस व्हाई दे वांट दैट पर्टिकुलर थिंग और फिर यू यूज देम इन द कॉपी. ठीक है, आगे चलते हैं कि वो किस आउटकम की तलाश में. एक तो होता है ना लॉन्गर रन का इन डेप्थ आउटकम, एक होता है कि अपेरेंट आउटकम, लेकिन फिर भी ये भी सरफेस लेवल आउटकम्स भी अपने जहन में रख लीजिएगा और सरफेस लेवल आउटकम्स को भी के बारे में भी बात कर लीजिएगा कॉपी में. अब अगले चीज पे चलते हैं कि वो मार्केट सॉल्यूशंस के बारे में क्या डिसलाइक करते हैं एग्जिस्टिंग. अगर 50 लोग और भी हेयर फॉल की चीजें या सिक्स पैक्स बनाने की चीजें बेच रहे हैं, तो उनको क्या डिसलाइक करते हैं. अगर सपोज करो आप वो डिसलाइक करते होंगे कि जी दवाई खानी पड़ती है, या वो डिसलाइक करते होंगे यार जिम जाना पड़ता है, मैं जिम नहीं जाना पड़ता, या रनिंग करनी पड़ती है, या
एक्स वाई जी चीज करनी पड़ती है ये भी, और फिर निटिग्रिटी भी के मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, मुझे शॉर्ट वीडियो दो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी आपने देख लेनी है। और फिर एंड पे आपने अपना यूनिक मैकेनिज्म क्या है, आपका यूएसपी क्या है, उसमें एंगल ट्विस्ट क्या देना है। मिसाल के तौर पर ट्विस्ट की एग्जाम्पल दे दूं, एक्नी, अगर आप एक्नी ट्रीट कर रहे हो किसी की, क्रीम है आपकी, तो उसका एक यूनिक मैकेनिज्म हो सकता है कि एक्नी कैन नेवर बी क्योर्ड बट इट कैन बी ट्रीट। एक्नी कभी भी जिंदगी भर ये नहीं हो सकता है क्रीम लगाओगे एक्नी खत्म, फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगी। जिस तरह होता है और बीमारियों के लिए कि कीमोथेरेपी कराओगे तो आपको कैंसर खत्म हो जाएगा, अल्लाह करे जो भी इससे सफर कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए इस केस में इस तरह से नहीं होता एक्नी के केस में कि एक्नी दफा आपकी आ गई तो ये नहीं होगा क्रीम लगाओगे साफ हो जाएगी। तो आप ये यूजर के नॉलेज को ब्रिज कर सकते हो कि जी आपने अब तक देखा है कि जी एक्नी के लिए फाइजा ब्यूटी क्रीम लगा लो, फलानी क्रीम, केयर क्रीम लगा लो, ये लगा लो, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, दीज थिंग्स नेवर वर्क। यू नो व्हाई दे डोंट वर्क? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड बाय एक्सवाईजी, एक्नी कैन नेवर बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रीटेड टेंपरेरी। और इन ऑर्डर टू डू दैट, अब ये मैंने यूनिक मैकेनिज्म ऑफ द प्रॉब्लम बता दी, मसला ये है कि एक्नी को कभी क्योर हो ही नहीं सकती, ठीक है। और फिर आई विल टॉक अबाउट मेरी जो दवाई है, ये मेरा जो सोल्यूशन है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि आपकी एक्नी को हमेशा ऐसी स्टेट में रखेगी, जो हमेशा ट्रीटमेंट की स्टेट में रखेगी, कि हमेशा ट्रीट आप वो लगाते रहो, रोज ट्रीटमेंट कर रहे हो, बजाय इसके कि आप यूं समझो कि एक दफा लगाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं। अब आते हैं स्टेप टू की तरफ, जो कि है अब स्ट्रक्चर बना। देखें, गुड कॉपी इज असेंबल्ड, इट इज नेवर रिटन। राइटिंग तो चैट जीपीटी भी करता है ना, तो आप में क्या कमाल है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है उसका। अब स्ट्रक्चर में आपके साथ एग्जैक्ट शेयर कर देता हूँ, उसको फॉलो कर लें किसी भी सेल्स लेटर लिखने के। और बाय द वे, सेल्स लेटर के लिए अच्छे पैसे लेने होते हैं, सस्ता काम नहीं करना होता। अच्छे पैसों से मुराद कम अज कम $10,000 लो आजकल के हालात में, क्योंकि 10,000 लव्स इज अ लॉट ऑफ लव्स, यू नो, कॉपी राइटिंग इट, इट इज यू नो अ लॉट। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, अभी भी मैं सस्ता बता रहा हूँ ताकि चलो इतना तो पकड़ो, ठीक है जी। अब आइए स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले आप हेडलाइन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हेडलाइन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा दूं, मैंने कहा एक्सप्लेन करने से बेहतर है मैंने कहा एग्जांपल दिखा दूं। ये जो सारी चीज आप देख रहे हैं ना, इफ पेटीट वुमन से लेके ये $10, दिस इज हेडलाइन कॉम्प्लेक्स। उसमें ये मेन हेडिंग है ये वाली, ये प्री हेडिंग है ये वाली, और ये सब हेडिंग है, ठीक है। आप एक हेडलाइन कॉम्प्लेक्स, आप हेडलाइंस लिखते हो बेसिकली फॉर योर ऑफर एंड व्हाटएवर यू आर राइटिंग फॉर, उसमें यू राइट अबाउट। अब यहां पे मैं ये देख लूं, देखें जी ये पूरा एक हेडलाइन कॉम्प्लेक्स है, और इसको अबव फोल्ड भी कहते हैं। अबव फोल्ड पे यूजुअली हेडलाइन कॉम्प्लेक्स आता है, तो वीडियो भी आती है, लेकिन इसकी VSL अलग है, ठीक है। ये सारा जी हेडलाइन कॉम्प्लेक्स है। अब हेडलाइन किस तरह से आपने लिखनी है, व्हेन इट कम्स टू सेल्स लेटर, आपने आउटकम प्रॉमिसेस देखे, आपको पेंस का पता है, आपको ऑडियंस का पता है, आपको यूनिक एंगल का पता है, ठीक है। तो आप कहोगे, मिसाल दे रहा हूँ, यूनिक स्टडी रिवील्स दैट वुमेन अबव 30 हैव बीन टेकन इन फॉर अ राइड बिकॉज एक्नी कैन नेवर बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रीटेड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक हेडलाइन ही लिखनी होती, कम से कम 5 से 10 हेडलाइंस लिखनी होती हैं, सब्जेक्ट जो मेन होती हैं, और उनमें से फिर यू पिक द बेस्ट वन, ठीक है। तो ये 5 तरह की मुख्तलिफ हेडलाइंस लिखें, और अराउंड दैट प्रेमिस, प्रेमिस क्या है कि जिस रिसर्च हुई है, रिसर्च में एक ऐसा रेवलेशन दिया गया है एक्नी के बारे में जो कि आपकी जिंदगी, आपका सोचने का तरीका बदल देगा, ठीक है। इस तरह से वो आपका प्रेमिस बनेगा। वंस यू हैव रिटन द हेडिंग, उसके बाद फिर आप लीड लिखते हैं कॉपी की। लीड क्या होता है, आपकी सेल्स लेटर का शुरू का हिस्सा होता है। अब उस लीड में आपने पेन पॉइंट्स पे जैप करना है, आपने एजिटेट करना है उन्हें थोड़ा सा, आपने उनको इंसेंटिव देना है, सो दे स्टार्ट यू नो कीप रीडिंग इट। आउटकम प्रॉमिस पे हिंट कर देना है आपने, और उनको सॉल्यूशंस पे और फैसिनेशंस पे भी। अब जो हेड का लीड होता है ना, वो बेसिकली निचोड़ होता है एक तरह से आपके पूरे पेज का, जिसमें हिंट्स होती हैं और जिसमें प्रॉमिसेस होते हैं और जिसमें क्यूरियोसिटी वाले एलिमेंट्स होते हैं, ताकि वो बंदा पूरा आगे पेज पढ़े। अगर किसी ने लीड नहीं पढ़ी ना आपकी, तो वो पूरा आगे पेज नहीं पढ़ेगा। ये देखिए 10,000 लाभ, तो लीड जो है वो बहुत क्रूशल है आपके लिए, आपके किसी भी लेटर के लिए। और लीड के ऊपर फोकस अच्छा से करें, और मेक श्योर कि ये सब चीजें ठीक, ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर, ठीक है। लीड के बाद आप स्टोरी बताते हैं, ये जो डिस्कवरी कैसे हुई, पता कैसे चला, जो बना रहा है उसकी भी स्ट्रगल है ना, क्यों बना रहा है वो आपने क्लाइंट से पूछना है। वो कहेगा कि जी मेरी एक्नी होती थी वो ठीक नहीं होती थी, फिर मैंने ये हजामा कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, कोई हल नहीं। फिर आपने बताना है स्ट्रगल कि जी ये मसला था, नहीं हो रहा था, एक्नी थी, मेरे घर वाले मुझे बुरा भला कहते थे, मेरे फलां बुरा भला कहते थे, मेरा स्पाउस बुरा भला कहता था, फिर मुझे एक सोल्यूशन मिला। वो सोल्यूशन था कि मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें मुझे साइंटिस्ट मिले, उन्होंने मुझे ये बताया। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि अभी तक आपकी प्रोडक्ट आप बेच क्या रहे हो ये रिवील नहीं हुआ, क्रीम बेच रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, कुछ नहीं पता। वंस यू रिवील दैट यू इवेंचुअली फाउंड अ सॉल्यूशन, फिर आप उसको हाइप बनाते हो। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, पुरानी से पुराने खारिज खत्म, पुरानी से पुराने दाने खत्म, फिर आप उसकी हाइप बनाते हो। आज ही लें, आज ही लें, आज ही लें, ऐसा है इसमें, ये इसमें ये है, इसमें वो है। जब उसकी हाइप बना लेते हो, फिर उसको रिव्यू करते हो। प्रेजेंटिंग आपकी नजरों के सामने, आज मैं लाता हूँ ये एक्नी क्रीम। ये एक्नी क्रीम क्या है, ये एक ऐसी एक्नी क्रीम है जो आपके साथ, जिस तरह सेल्समैन
टिपिकल लिखते हैं या बोलते हैं, आई होप यू कैन इमेजिन। ठीक है, जब वो आपने कर दिया, बिग रिवील हो गया उसका, उसके बाद फिर आप कॉल टू एक्शन देंगे उनको पहला, फिर आप उनको बताएंगे कि जी हाउ डज दिस वर्क, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट्स इन इट फॉर देम, पूरा बेनिफिट का एक सेक्शन, फिर आप कॉल टू एक्शन देंगे, फिर कोई गारंटीज हैं आपकी, आप गारंटीज देंगे, फिर आप ये जो ऊपर वाला सेक्शन था यहीं पर आपने बता देना कि इसके अंदर बोनसेज हैं या क्या क्या चीजें शामिल है, फिर गारंटी के बाद एक और कॉल टू एक्शन, फिर FAQs अबाउट दैट प्रोडक्ट, और फिर एंड पे और कॉल टू एक्शन। तो मल्टीपल कॉल टू एक्शन होंगे। और अच्छा जी, अब ये सब करने के बाद स्ट्रक्चर आपको सामने आ गया। थर्ड स्टेप वुड बी टू जॉट डाउन द हेडिंग्स ऑफ ईच सेक्शन। अब यहाँ पे हेडिंग्स हम पहले इसलिए लिखते हैं, मैं पहले इसलिए लिखता हूँ, हर बंदे का अपना प्रोसेस है, कि अगर आप हेडिंग्स लिख लोगे ना हर सेक्शन की अलग अलग, तो पूरी एक रेजोनेंस बनेगी कि अगर एक बंदा अंदर वाला जो मवाद है वो नहीं पढ़ता ना, वो हेडिंग्स भी पढ़ लेता उसको समझ आ जाएगी वो कह रहा है। तो आप हर सेक्शन की बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर दैट आई हैव शेयर्ड एक हेडिंग लिख, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद चौथा जो हमारा फेवरेट स्टेप है, उसमें आप यू राइट आउट द कॉपी। कॉपी जब आप लिख लोगे, यहाँ पे आप कॉपी लिखने के लिए चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हेडिंग्स हैं, स्ट्रक्चर है, हर चीज है, आप अच्छी प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स देंगे, प्रॉपर कॉपी लिखवा के उसको फिर प्रॉपरली एडिट करेंगे। फिफ्थ स्टेप में जो भी आपने कॉपी लिखी होगी उसको आप एडिट करेंगे, मेक रीड इट आउट लाउड, कॉपी राइटिंग का असूल है, आप बना लें जो भी आप लिखेंगे रीड इट आउट लाउड, एंड वंस यू डू दैट इंशाल्लाह आपकी कॉपी में मजबूती आएगी, कन्विंसिंग पर्सुएशन ज्यादा होगी उसमें, और आपको इंशाल्लाह आपके क्लाइंट को आपको बहुत फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इतना बोला हूँ कि मेरा गला बंद हो गया, और आई होप यू लाइक इट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।